मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो कभी कोई और फिल्म स्टार आते हैं या जो भी पॉपुलर लोग आते हैं तो लोग ना थोड़ा झिझकते हैं उनसे बात करने में उनसे उनसे फ़ोटो भी लेनी है तो वो उनसे पूछेंगे या यू you नो know, मेरे साथ ऐसा नहीं मेरे को लोग सीधा पकड़ लेते हैं उनको लगता है कि हमारे बीच का आदमी है मैं हमेशा ही कभी भी कोई चीज़ होती है सुबह उठते ही पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज फिर बच गए आगे मेरी वाइफ भी ऐसे मिली है कोई भी आप तो थक कर के जाओ ना बोले यार मेरे से बात करने का मन नहीं है बहुत थका हूँ तो पता काम पे क्या क्या होता है तो तो तुम बच्चे पैदा करके दिखाओ। तो वो नहीं नहीं होती जब आप अपने सेट्स पे पे करते के के। साथ। नहीं, सेट पे उसको पता है इसको पैसे मिलते हैं करने के। सेट के पीछे ना बस पकड़ा यही वाले से करता है। साफ-साफ बातें करके जाऊंगे जिंदगी हो जाता है प्यार

कि मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने था कि आपने कहा था जब आप लाफ्टर चैलेंज के लिए आए थे जी। तो उन्होंने आपको बोला फटाफट फटाफट दो मिनट में कुछ करके दिखाओ आपने दो मिनट में किया और उन्होंने आधे आधे मिनट मिनट मुझे, में... मुझे बार कर दिया <laughs> <laughs> और फिर उसके बाद वहां से लेके अब यहाँ तक यू नो द्रेडिबल जर्नी दैट यू हैड मतलब पुलिस क्वार्टर से जैसे आपने कहा और अब बॉम्बे में आप इतने बड़े स्टार हैं आपको एक मोमेंट ऐसा याद है व्हेन यू फेल्ट कि आई मैं मैं तो तो साफ़ साफ़ बन बन गया साला मैं तो बन गया साला एक्चुअली uh, मैं बड़ा ग्रेटफुल बड़ा थैंकफुल ऊपर वाले का लोगों का जिन्होंने इतना यू you नो know, प्यार दिया पर मैं एक बात कहता हूँ जैसे आपने कहा कि I, okay, arrived, तो वो मोमेंट वही होता है जब आपको पहला पहला प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऑब्वियसली वो लाफ्टर चैलेंज के टाइम पे ही था बिकॉज उसके बाद फिर आपके रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारी यू you नो know, टीवी शोज बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसे आपको अप्रोच करने लगते हैं सो so वो आ, लाफ्टर चैलेंज जब पहला था ना क्योंकि इससे पहले हमें पैसे नहीं मिलते थे टीवी पे काम करने के जो रिजनल चैनल पे भी जब करते थे या कहीं और छोटा मोटा काम करना था वो बोलते रहे आप टीवी पे आओगे और क्या चाहिए आपको पैसे नहीं मिलते थे तो इवन लाफ्टर चैलेंज में भी पार्टिसिपेट करने के पैसे नहीं थे तो सिर्फ पैसे मिलते थे जो विनर है और जो रनर अप है तो मैं विनर था उसका मुझे लाख रुपए का चेक मिला तो मैं बड़ा लगता था कि मेरे पास पंद्रह हजार रूपए मिलेंगे ना ड्रॉर में अगर हाँ, रखे हाँ, रहे, हाँ, तो आई वर आईट एक जीप और पंद्रह हजार रूपए ड्रॉर में तो आई वर आईट और उसके बाद फिर एज यू स्टार्ट अकम्प्लिशिंग फिर Right. आपकी एस्पिरेशन भी बढ़ती, रहती है, बढ़ती रहती है तो सर एक और बात बताओ कि कि जब आप पहुंच गए हो, मतलब फेम भी कभी-कभी बोझ बन जाता है? बोझ नहीं मैं कहूंगा आई थिंक कुछ चीजें होती हैं जैसे लोग आपको प्यार करते हैं लोग आपको सर आंखों भी बिठा लेते हैं फिर कभी कभी कह, <coughs> समटाइम्स यू नो छोटी छोटी चीजें होती हैं फिर जितना आपको प्यार मिलता है जिस जिस दर्जे का, उसी दर्जे का का उसी क्रिटिसिज्म भी मिलता है so, uh, होता है सो होता कभी कभी फिर कुछ चीजें पीछे छूट जाती है जैसे, uh, सड़क पे जाके कुलचे वुलचे खाने हैं अमृतसर में वो सब चीजें छूट जाती है हालांकि मैं करता हूँ अभी भी हुँ. तो मैं क्या करता हूँ कि इससे पहले की भीड़ों में अपने यार दोस्त बीस पच्चीस ले जाता हूँ अमृतसर वाले कि सब फुल कर दो सब ही जगह फुल कर दो तो हाँ होती हैं कई चीजें छूटती हैं पीछे पर

सब लोग आके आपका शो देखते ही हैं मुझे, उसका तो मुझे बारे में पता है ना ही मैं ज्यादा ज्ञान बांटूंगा तो, पर मुझे ये लगता है कि लोगों को ये लगता है जो मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया अपने बारे में कि मैंने बहुत बार देखा मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो कभी कोई और फिल्म स्टार आते हैं या जो भी पॉपुलर लोग आते हैं तो लोग ना थोड़ा झिझकते हैं उनसे बात करने में उनसे उनसे फोटो भी लेनी है तो वो उनसे पूछेंगे या यू you नो know, मेरे साथ ऐसा नहीं मेरे को लोग सीधा पकड़ लेते हैं उनको लगता है कि हमारे बीच का आदमी है अपना है और अपना है ना एक एक वो आ, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट वर्ड है तो लोगों को यही लगता है सो आई थिंक मैं अभी यूएस में था तो भी एक uh, मेरे जो ऑर्गेनाइजर थे वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर उन्होंने बोला कि मियाँ बीवी है वो आपको मिलना चाहते हैं मैंने कहा अभी तो अरिना से निकल रहे हैं तो आप होटल आ जाओ उनको बोलो तो कहीं वो किसी तरीके से अरीना की बैक साइड पहुँच गए सो तो एक बुज़ुर्ग कपल था पाकिस्तान से थे लाहौर से दोनों मियाँ बीवी पहली बार मैं मिला मुझे नहीं पता वो मेरे बच्चों के बारे में जानते थे वो उनकी कितनी उम्र है उनके बारे में जानते थे उनके लिए शॉपिंग करके आए मुझे मेरे दिल को इतनी वो बात टच की कि कितना आपके लिए कोई अगर इतना सा भी एफर्ट करता है स्पेशली अमेरिका जैसे शहरों में घर से निकल के जाना किसी के लिए शॉपिंग करके आना और मुझे जानते भी नहीं वो ऑब्वियसली टीवी के माध्यम से वो मुझे जानते हैं सो so, ये ये चीज़ें जब देखने को मिलती हैं ना फिर लगता है कि पैसा और फेम सब एक जगह और ये जो प्यार और दुआएं मिलती है ना ये ये बहुत बड़ी दौलत है पर ऐसा व्हाट इज थिंग इन यू की सबको क्योंकि मेरी बातें उनके जैसी है ना सब आम लोगों के आप देखो आप हमारी इंडियन सोसाइटी में 80 85% 90% लोग जो हैं वही हैं हमारे जैसे ही हैं जैसी है, हम बातें करते हैं जिस कल्चर से हम आते हैं सो तो ये एलीट क्लास जो है जो ये ये बड़ी कम है

मेरा सर्कल सच बताऊं तो मेरा सर्कल आज भी वही है जो मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त थे क्योंकि अब जो है ना अब ना थोड़े कोलीग्स मिलते हैं वो तो दोस्ती वाली बात जो होती है ना जिसके साथ आप दिल खोल के बात कर सको जिसके साथ आपको कुछ आ, ये ना हो कि यार मैं कैसे बैठा बैठाऊँ इसके सामने कैसे खाऊं इसके सामने मैं नैपकिन लगाऊँ इसके सामने फोक नाइफ यूज करूँ <laughs> तो ये ये करने वाले बहुत कम लोग होते हैं मिलते भी ऐसी बात नहीं बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में दोस्त हैं जो अपने जैसे हैं देसी हैं बिल्कुल और बट हाँ ज्यादा वही पुराना ही पुरा है जो जो पहले पहले था था आज से 20 साल पहले, 25 साल 25 मैंने एक्चुअली पढ़ा कहीं पे कि आपके जो दोस्त बनते हैं ना वो 25 तक ही बनते मोस्ट रॉ फॉर्म होता है ना ओल्डर तो मतलब मैं तो बत्तीस साल की हूँ बट मेरे भी सबसे ज्यादा दोस्त ईमानदार नहीं

सर एक बात बताइए आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा उसने उसमें आपने कहा था कि आपकी वाइफ बहुत फनी है जी आपको कोई एक ऐसा रोस्ट याद है जब उन्होंने आपको मजाक कराया और आपने सोचा अरे यार, यार ये तो बहुत ही फनी है बहुत बार करती रहती है हर बात पे हमारे घर में यही सब चलता रहता है पंजाबी फैमिली में आपको भी आई एम श्योर पता होगा तो मेरी मम्मी भी ऐसी ही है आगे मेरी वाइफ भी ऐसी मिली है कोई भी आप थक कर के जाओ ना बोले यार मेरे से बात करने का मन नहीं है वो थका हूँ तो पता काम पे क्या क्या होता है उसका जवाब होता है तो तुम बच्चे पैदा करके दिखाओ मैं तुम कर सकते हो ये सब चीजें तो रोज कुछ ना कुछ तो होता रहता है तो ये इज वेरी फनी शी इज वेरी फनी एंड वो फैन जैसे आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं आपके पीछे से मैंने उनकी भी बातें सुनी है हाँ तारीफ भी मेरी of course तभी उसने मुझे <laughs> शादी की मुझे पसंद करती तो तभी तो शादी की उसने so हाँ fan भी है मेरी तो वो upset नहीं होती जब आप अपने sets पे flirt करते हो दीपिका etc के साथ

So, मुझे किसी ने बताया दो तीन बार जब वो आ चुकी थी पर मैंने बड़े सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि हमारे शो पे क्या होता है जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में लोग जाते हैं अपनी फिल्म प्रमोट करने फॉर एग्जाम्पल अगर वो डांस शो है सिंगिंग शो है तो उसमें कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बोलने के नाम पे सिर्फ जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के बाद दो मिनट बोलने का मौका मिलता है हमारे शो में हम लोग पूरा उनको वो एम्बियंस क्रिएट करते हैं ताकि उनको लगे कि ये शो सारा जो है उन्हीं के इर्द गिर्द है सो आई थिंक उनको कंफर्टेबल भी फील होता है हम बोलने का भी मौका पूरा मिलता है और बड़ा लाइट हार्टेड शो है हमारा सो आई थिंक कंगना ही नहीं कोई भी जो आता है बड़ा इन्जॉय करके जाता है सब तो आके एंजॉय करती हैं, बट ये आप इसके बारे में सोचना कि कुछ तो आप में एक्स्ट्रा चार है ये मैं बहुत खुश होके जाती है अच्छा आपकी रिलेशनशिप जो आपकी, आपकी मम्मी के साथ है वो तो दिखती है We get to see her on the show. मैंने आपका न्यू ईयर स्पेशल वाला शो देखा था, मुझे बहुत मजा आया था जिसमें बसी, जाकिर, कुशा, हाँ। जी सब आए थे जी जी। और उन्होंने इतना गाया इतना उनको मजा आया आपको भी आप उनसे माइक ले रहे थे वो भी के मुझे बड़ा मजा आया पर आपके इंटरव्यू में एक आपने कहा था कि आपके ऑब्वियसली फादर पास बनी वो वेरी यंग तो आपको मौका नहीं मिल पाया उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करने का और आपने कहा था कि वो स्ट्रिक्ट भी थे क्योंकि वो पुलिस में थे तो एज अ फादर आप कभी भी सोचती हो कि मुझे कुछ अलग करना है टू हैव अ रिलेशनशिप मेरे बच्चों के साथ जिसमें वो मुझसे डरे ना कि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप हो मैं मेरे <coughs> मेरे जब तक फादर थे बचपन में मुझे डर लगता था एक तो देखिए ये सारी चीजें तब दिमाग में आती हैं जब आपके और आपके फादर के साथ जितना मतलब क्योंकि पुलिस की जॉब में कोई छुट्टी नहीं होती थी उनको तो ऑफिशियल कोई छुट्टी नहीं होती थी बहुत कम टाइम मिलता था जब वो घर पहुंचते थे हम लोग सो चुके होते थे सुबह हमारे उठने से पहले शायद चले भी जाते थे तो एक बचपन तो पूरा वैसे ही निकल गया कॉलेज टाइम तक आते आते जब दोस्ती होनी शुरू होती है ना अपने फादर के साथ तो तब तक वो चले गए सो मुझे इतना टाइम नहीं मिला सो डरते भी आई थिंक करेक्ट वर्ड नहीं मुझे लगता है कि एक रिस्पेक्ट होती है फादर की जो होनी भी चाहिए क्योंकि माएँ जो होती हैं वो थोड़ा लाड़ प्यार से रखती हैं हर घर में होता है ना कि एक बच्चा मम्मी का फेवरेट होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करती हैं बाप से एक बाप थोड़ा वो चलना चाहिए गुड कॉप बैड कॉप वाला सो so, हाँ मैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ बिजी भी बहुत होता हूँ ऐसा नहीं है लेकिन जब फ्री हूँ तो मैं आ, मैं बहुत टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ क्योंकि और मैं कुछ और करता नहीं हूँ तो बाहर मेरा कोई सोशल सर्कल है नहीं ना मैं कोई पार्टी वार्टी करता हूँ ना ही मुझे शौक है जब जा बाहर जाके क्लबों में डांस करने का तो मैं ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करता हूँ मेरी बेटी भी जब हुई सो शी शिवज़ थ्री मंथ्स ओल्ड जब कोविड शुरू हुआ <coughs> मार्च में तो दिसंबर में वो बॉर्न है तो वो तीन महीने की थी और दो साल तक मैं घर पे ही रहा बीच बीच में थोड़ा सा शो शुरुआत किया बिना ऑडियंस के पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया सो तो यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें

मेरी वाइफ ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी पर मेरे को तो मेरे को बच्चों में कभी भी कोई कभी माँ चिड़ जाती ना कि अच्छा ये ख़राब मेरा बेटा स्पेशली वो बड़ा शरारती है तो मुझे कभी नहीं मुझे तो लगता है यार ये बच्चे हैं ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा so, ही ही आगे चल के बड़ा होके पिटफिट ना जाए मेरे से मुझे <laughs> नहीं, नहीं। वो आपका बेटा आपके जैसा है हरकतें जो है मेरी बेटी की मेरे जैसी है ज्यादा शक्ल चेहरे मोहरे से मेरा बेटा मेरे जैसा ज्यादा लगता है बाकी तो बच्चे हैं बड़े हो के पता चलता है उनका बहुत होता है। हाँ, actually, मतलब हम लोग तीन भाई बहन है मेरी बहन भी जो मेरे फादर सबसे छोटी भी थी तो उसको बड़ा प्यार मिलता था ज्यादा हमें भी करते थे पर उसके साथ एक अलग ही रिलेशन था अब मेरी बेटी क्योंकि एक तो पहला घर में बच्चा

जहाँ जाते हैं जो करते हैं सब बता के बचपन से ही करते हैं एंड इज सो ब्यूटिफुल जब आप बड़े हो जाते हो कि आप हम अभी भी फ्रेंड्स जैसे ही हैं अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बट अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स योर फैमिली आई नो दैट वॉट यू लव इज म्यूजिक एंड आप इतना अच्छा गाते हो आपका लास्ट मैंने एक वायरल गया था क्लिप जब जिसमें आप गा रहे थे

कोई नहीं, मैंने कोई बोला मैंने बोला कर पागल पागल नहीं बोल सकते कहा क्यों वो गुस्सा करेंगे इतना का कौन बट <laughs> <था पागल। laughs> <laughs> बहुत सारी आजकल हैं आपको हुँ. जब आप जनरल पे काम करते हो फिर मैंने तो इतना कर लिया ना मेरा इतना रियाज हो गया आपकी मैं कहीं किसी टी प्लेटफॉर्म पे भी चला जाऊंग ना तो मेरे मुँह से तब भी नहीं कोई ऐसी बात निकलेगी क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस ही वैसी हो गई पर एक बार ही कर दो सर बड़ा मजा आएगा देखने में मेरी वैसे साफ-साफ बातें करके कंट्रोवर्सी हो जाती है ऐसी बात करवा लो आप मेरे से नहीं पर आई फील अब थोड़ी फॉरगिविंग हो गई है क्या ऑडियंस ऑडियंस हो गई है ना हाँ? ये जो ये जो कंट्रोवर्सी उठाने वाले लोग हैं ना हाँ, ये नहीं हुए नहीं ये तो मौका ढूंढ रहे हैं कि आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकालो सही बट आई फील अब आपका हो गया ना पीक एंड ट्रफ अब तो आप तो मतलब अभी अभी काम खराब कर लो आप नहीं नहीं नहीं, नहीं। काम मत खराब करो देखो आपने अभी भी शुरू किया है तो मेरा बंद मत कराना आप <laughs> <laughs> नहीं आई हैव नो इंटेंशन कि मैं आपका बंद कराऊं बट आप अमृतसर में पले बड़े जी है ना एंड अभी मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप जाके खाने भी खा रहे थे जी तो मतलब आपको एक तो घर कितना याद आता है और आप कितनी ऑफन जा पाते हैं घर देखो घर तो घर वालों के साथ ही होता है तो मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा ही होती है कभी मैं अमृतसर चला जाता हूँ मेरी सिस्टर वहाँ पे मैरिड है मेरा भाई भाभी उनके बच्चे मम्मी मेरे पास ही रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा हाँ अपना शहर तो आप कभी कभी मिस करते हो वो छोटी छोटी चीज़ें जो अमृतसर में खाने को मिलती थी स्पेशली तो मेरा जब मन करता मैं चला जाता हूँ ऐसा कोई ज़्यादा कुछ ज़्यादा मैं गिल्ट नहीं लेता उस बात का कि जा नहीं पाते हैं क्योंकि मैं बड़े ऐसे लोगों को देखता हूं जो कहते हैं हम अपना घर बड़ा मिस करते करो वही गलियों में जाओ जहाँ आप खाते पीते थे तो मैं ये सब करता रहता हूँ मैं बस आज का शूट करके शायद में और दो चार दिन एक तो छोटे छोटे काम करके फिर निकल जाऊंगा हाँ बशरते

वो जो टेस्ट होता ना ना, एक जबान का, वो जो उन सालों में में सेट हो हो जाता ना, उसके बाद फिर आप आप मिस करते हमेशा, चाहे वर्ल्ड कहीं पे भी चले जाओ, वो बेहतरीन खाना। और तो आपको पता है, है, खाने के लिए कितना मशहूर मैं so मैं अगर ज़्यादा से मिस करता मैं निकल जाता हमारे

वो भी घर पे ही मिलता था क्योंकि हम भी वेल्ले वो भी वेला <laughs> तो काम तो होता नहीं था <laughs> तो हाँ, पर वेले, कल्चर है मुंबई में, हाँ, कहीं मुंबई में, में मेरा कोई ज्यादा सर्कल नहीं अब तो खैर शादी के बाद बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है और ज्यादा मुझे कॉन्टेंट देखना बड़ा अच्छा लगता है अलग अलग फिल्में देखने का बड़ा शौक है आपने लास्ट तो कौन सी मूवी देखी जिसमें आपको जिसको देख के आपको अच्छा लगा लास्ट थिएटर में या घर पे कहीं भी अभी लास्ट में जवान देखी थी और कल रात को मैंने देखी जाने जाती हाँ, भी भी जान। तो मतलब बहुत ही कमाल की फिल्म थी और नहीं समझ आती ऐसे छोड़ देने ज्यादा ज्ञान लेके भी ना जिंदगी में अपने आपको दुखी करना है उस चीजों से आप थोड़ा इतना ही रहो कि बस हाँ। थोड़ा थोड़ा सा ही है। हाँ। और वैसे मैं बता देता आदमी ने रहोम किया हाँ। हम उस फिल्म की कुछ चर्चा कर रहे हैं पर हाँ, हाँ, उसने कि है। तो तो वो वो हाँ, कितने होंगे जो आपको भी करते होंगे आपको नहीं समझ में आता ना जाके पूछो कॉलेज में स्कूल में जहाँ आप पढ़े हो बड़े होते

ना। पर ना। आपके पापा को गुस्सा चढ़ गया था कि उनको तो सारा बनो बोल दिया मुझे नहीं थी, है? मुझे दिखती है हाँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपने चाहे वाया वाया आप अपने लिए भी लेना चाहती ना मम्मी उस मैं फिश कर रही थी ना कॉम्प्लीमेंट की मेरे काम नहीं मेरे तो मैं ले लेती हूँ आम अच्छा लास्ट में सर हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे और मैं प्रॉमिस किया था खुद को कि मैं वैसी गेम नहीं खेलूंगी जो बाकी खेलते हैं तो मैं आपको हिंदी में डायलॉग दूंगी और आप उसको पंजाबी में बताइए ओके ठीक तो है है तो डायलॉग क्यों जाऊं मैं गन्ने के खेत क्या खास बात है गन्ने के खेत में क्यों जाऊं मैं गन्ने के खेत से की है गन्ने के खेत हाँ। नहीं जाना मुझे गन्ने के खेत अच्छा जिंदगी में हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और प्यार प्यार भी एक ही बार होता है जिंदगी चसी एक ही बार जीने हैं एक ही बार मरते हैं प्यार साल हर शनि तवार हो जाता है <laughs> 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 uh, कुछ रिश्ते दोस्ती से बढ़कर होते हैं कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते एग्जैक्ट पंजाबी जी बोला कुछ रिश्ते दोस्ती तो बद के होंगे हाँ। कुछ रिश्... रिश्ते क्या

अगर मैं दो मिनट और रुकया ते मेनू प्यार हो जाएगा फिर तो हाँ और तुम्हें नहीं होगा फिर से हो नहीं हो गया हो नहीं हुंदा हां चलो ठीक है मुश्किल हो인다 हाँ, ना ही <laughs> होए <थे> बेटर है <laughs> फिर तो सियाप्पा है जी हो गया ते बट थैंक यू सर थैंक यू फॉर योर टाइम बड़ा मजा आया आपसे बात करके एंड अगेन आपका इतने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला सो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू बाय